आके यहाँ पे क्लीन करके गया, अंदर जब मैंने देखा वहाँ पे कचरा वैसे के वैसे ही पड़ा था। ऊपर ऊपर से पैसेंजर्स को दिखाने के लिए अगर आप ऐसे क्लीन करके जाते हो, स्प्रे मार के जाते हो, उसको क्लीनलीनेस नहीं कहते हो? आप कौन है? यू आर द सुपरवाइजर। आपका नाम? इंद्र। कुछ भी लगाओ, कॉकरोच और जो भी है चूहा वो सब निकल जाना चाहिए रूम से। तो वंदे भारत का स्टिकर दुरंतो एक्सप्रेस में कैसे आता है मुझे समझ में नहीं आया। बैक टू माई चैनल, आप देख रहे हो फूड वेंचर फोक्स। और आज हमारा लास्ट डे है गोवा में और अभी मैं हूँ मडगांव स्टेशन में। ये देख सकते हो आप मेरे पीछे मडगांव स्टेशन। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं दुरंतो सुपर फास्ट एक्सप्रेस से एंड वी बी ट्रैवलिंग बैक टू मुंबई। सो सी यू सून। तो ये मडगांव स्टेशन का मेन एंट्रेंस है। ये है हमारी ट्रेन 12224 दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो आने वाली है 10 बजे। ओके, तो आप प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो और एक ट्रेन रुकी हुई है। ओ, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और ये भी मुंबई जा रही है। तो जैसे आप मडगांव स्टेशन से बाहर आते हो, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पे जो आप बोर्ड देख रहे हो, यहाँ पे सामने स्ट्रेट है ऑटो रिक्शा स्टैंड। फोर व्हीलर और सिक्स व्हीलर व्हीकल पार्किंग के लिए आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा और बस स्टैंड बस यहाँ पे स्ट्रेट है सामने। प्रीपेड टैक्सी स्टैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा राइट साइड पे। आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखना। क्योंकि उसमें मैंने सारे डिटेल्स दिए हैं प्रीपेड टैक्सी के बारे में। और टू व्हीलर्स भी यहीं पे आपको मिल जाएंगे राइट साइड पे। और इनका रिजर्वेशन ऑफिस जो है इस तरफ है। और ये है मडगांव रेलवे स्टेशन का। तो ये वंदे भारत ट्रेन निकल रही है और मुंबई के लिए रवाना हो रही है, आप देख सकते हो। और एक चीज़ गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे मडगांव स्टेशन पे आते हो और प्रीपेड टैक्सी लेने के लिए आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे एक आदमी बोर्ड लेके खड़ा है प्रीपेड टैक्सी काउंटर के लिए। तो ये आपकी थोड़ी सी सहायता हो जाएगी यहाँ पे। जैसे कि आप बोर्ड देख सकते हो, बोर्ड देखते ही आप राइट लेकर प्रीपेड टैक्सी के लिए जा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया इस खाली बैग को साथ लेके जाएं। तो ये ले जा सकते हैं, खाली बैग लेके जा सकते हैं पैसेंजर। हाँ, राइट। मेरा पैसा खर्च
ठीक है। तो गाइज अगर आप दुरंतो एक्सप्रेस से ट्रैवल करते हो, सुपर फास्ट एक्सप्रेस से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज कैरी दिस वेकेंट बैग, तो सिर्फ आप ये खाली बैग ही लेके जा सकते हो अपने साथ। तो 10:10 पे मडगांव स्टेशन पे आई थी ट्रेन, अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो चुका है और मडगांव स्टेशन से हम निकल गए हैं। सो ट्रेन का टाइमिंग था 10 बजे का, 10 बजे से लेके 10:10 तक रुकती है मडगांव स्टेशन पे, लेकिन ट्रेन थोड़ी लेट थी आज। ये ट्रेन के अंदर केले का छिलका दिख रहा है अभी, मुझे क्लीनिंग के लिए बुलाना पड़ेगा उन्हें। तो अगर आपको ट्रेन में कहीं पे भी गंदगी दिखे तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये क्लीन कर देंगे। जी सर। Thank you. So friends, if you are going to board this train, the Duronto Express from Madgaon Railway Station, you may not get the breakfast because their timings are from 7:00 to 8:15. तो हमने जो ये ट्रेन मडगांव रेलवे स्टेशन से बोर्ड की थी दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और ट्रेन लेट थी जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्रेन वॉज डिलेड और 10:30 को ट्रेन स्टार्ट हो गई। एक्चुअली ये ट्रेन 10:00 को मडगांव रेलवे स्टेशन पे आने वाली थी, लेकिन थोड़ी डिले हो गई थी और 10:10 को पहुंची थी, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बाद स्टार्ट हो गई और हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिला क्योंकि 8:15 के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट सर्व नहीं करते हैं। सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो सो दैट इट्स हेल्पफुल फॉर यू गाइज, इफ़ यू गाइज आर बोर्डिंग द ट्रेन फ्रॉम मडगांव रेलवे स्टेशन, यू मे नॉट गेट ब्रेकफास्ट इन दिस ट्रेन। गोवा का ब्यूटिफुल लैंडस्केप देख सकते हो आप। ट्रेन का अंदर का व्यू दिखा देती हूँ। तो हमें जो केबिन मिला है वो है केबिन ए, और ये है हमारा केबिन। सो गाइज मैंने लास्ट वीडियो में, आप वीडियो देख सकते हो, मुंबई से लेके मडगांव रेलवे स्टेशन तक मैंने दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैवल किया है, और उस वीडियो का थंबनेल मैं वीडियो में यहाँ पे दे दूँगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि यहाँ के दुरंतो स्पेशल, दुरंतो की जो एक्सप्रेस ट्रेन है इनके सर्विसेज कैसे हैं, ट्रेन का इंटीरियर कैसा है, ये सारी चीज़ें कवर की हैं। यहाँ का खाना स्पेशली, यहाँ का खाना कैसा है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, और प्लस ट्रेन की टिकट्स क्या है। तो अगर आप दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस से ट्रैवल करते हो तो आपको पर पर्सन कितना पे करना पड़ेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में दिया है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद मेरा पिछला जो वीडियो है वो भी ज़रूर देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, बिकॉज वो पूरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, प्रजापति है ना आपका नाम? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मुझे जरा बताएंगे ये इसका मतलब क्या होता है? और आप सबसे पहले आप अटेंडेंट हो रहे हैं?
अटेंडेंट होता है केबिन और कूपे में, और एक वेंडर होता है। तो आपका क्या काम रहता है और वेंडर का क्या क्या काम रहता है? ये मेरा नाम, मेरा काम है बेडिंग देने का। ओके। और क्लीनिंग का है। ओके, बेडशीट्स और क्लीनिंग के लिए आपको कॉल कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये क्या है? ये आप बिल दबाएंगे तो A1 A केबिन में है। हाँ, A केबिन का बिल बजने लगेगा। ओके, तो आपको पता चल जाता है और आपको वहाँ पे क्लीनिंग सर्विस देनी है वगैरह। और वेंडर क्या करता है, वेंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वेंडर का है नाश्ता पानी खाना पीना लाने का। अच्छा, सिर्फ उतना ही? ओके। तो इस ट्रेन में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप इस बटन की सहायता से, ये जो बेल का बटन दिख रहा है इसे अगर आप प्रेस करोगे तो जो अटेंडेंट है वो यहाँ पे आके आपकी हेल्प कर सकते हैं, और क्लीनिंग और बेडशीट यू नो चेंज कराने के लिए आप उन्हें कॉल कर सकते हो। मैं अभी आपको बताती हूँ। ये होता है अटेंडेंट का केबिन। अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वहाँ पे बेल प्रेस किया था तो ये ए, हमें ए केबिन मिला है तो ये ए ब्लिंक हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे रहते हैं अटेंडेंट, वो यहाँ पे बैठते हैं, उनको पता चल जाता है किस केबिन में जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए दिया है और ये ब्लिंक हो रही है लाइट, साथ ही साथ एक अलार्म की तरह आवाज आ रही है। अच्छा इंडिया से आप अकेले ही हो जो यहाँ पे सर्व करते हो? हाँ, ये सर्विस थोड़ा सा स्लो लगा क्योंकि 140 को हमें आपने लंच सर्व किया, उसके बाद ऑलमोस्ट अभी 220 हो गया तभी आप वापस आके पहुंचे। कहाँ पे थे आप? क्योंकि मैं यहाँ पे वहाँ पे देखा लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं, तो फिर मैं वहाँ पे अटेंडेंट के लिए, अटेंडेंट का जो बटन है ना वो क्लिक किया, वो आके बोले कि वो सिर्फ क्लीनिंग करते हैं। नहीं नहीं, उनको बोलते तो मुझे बुलाते हैं। वो बुलाते हैं, क्योंकि जरा व्यूवर्स को वो भी बता दीजिए, क्योंकि मैंने अटेंडेंट के लिए वो बटन प्रेस किया, वो थोड़े से मतलब रूडली बात करने लग गए, वो बोले कि मुझे क्यों बुला रहे हो। उनको कुछ जरूरत है आपको, आप मुझे बोलेंगे तो मैं उनको बोल सकता हूँ। लेकिन वो आपको बताते हैं क्या अगर खाना? बोल सकते हैं, उनको पता है? मेरे को नहीं लगता उनको पता है, क्योंकि मैंने उनको पूछा कुछ भी चीज़ आप, जैसे उनको, जैसे अभी मुझे रोटी चाहिए था और सब्जी चाहिए था, तो मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे नहीं है, आप वेंडर नहीं है, तो मैंने बटन क्लिक किया तो वो आए और आते ही बोले कि मैं सिर्फ क्लीन करता हूँ, ये मैं नहीं देखता हूँ। तो मुझे सिर्फ इतना लगा कि दुरंतो एक्सप्रेस में सर्विस थोड़ी सी स्लो है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हाफ, अगर ये अनलिमिटेड फूड सर्व होता है तो ऑलमोस्ट एटलीस्ट 5-10 मिनट बाद मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अटेंडेंट या वेंडर जो भी है आके कस्टम पैसेंजर को पूछे कि भाई आपको कुछ और चाहिए, क्योंकि इट्स अनलिमिटेड राइट, ये जैसे बुफे होता है उस तरीके का सर्विस है कि अनलिमिटेड खाना है। आप जो अभी जैसे रोटी खत्म होती है तो नेक्स्ट कोई चावल ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, तो ज्यादा, तो उस हिसाब से वहाँ पे होना भी चाहिए ना सर्विस के आते हैं। हाँ वो भी बता दीजिए, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ बता दीजिए। जनरली पेंट्री के बाजू में कितने कुछ अच्छा। और जो खाना है, अभी लास्ट टाइम जब हमने ट्रैवल किया था मुंबई से गोवा तक राइट, तो वो जो खाना था और ये खाने में थोड़ा डिफरेंस है, तो अलग अलग सर्विसेज है क्या? सेम है, तो वो अलग से वो शेफ बनाते हैं, इधर के अलग सर्विस के लिए, मतलब शेफ्स अलग है। जो भी सर्विस है वंदे भारत का, ये क्या लिखा हुआ है? वो वंदे भारत का स्टिकर है, लेकिन सर्विस किसकी है? ये खाना वगैरह जो सर्व करते हैं एक ही कॉन्ट्रैक्टर है? अच्छा, तो मुझे सर्विस जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी खाना भेजते हैं उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस लगा, रोटीज जो है वो पहले थोड़े सॉफ्ट थे, अच्छे थे, मतलब रोटी भी थोड़ी अलग लगी, ये थोड़ी सी सूखी सूखी रोटी थी, ना घी ना तेल कुछ भी नहीं था उसमें, और पहले वाले वो अच्छा था, मतलब सॉफ्ट था, और जो ग्रेवी भी था वो थोड़ा अच्छा था, ये थोड़ा पतली, अभी आप देख सकते हो एकदम पतली सी ग्रेवी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एकदम पानी की तरह ग्रेवी है। नहीं, ऐसा है कि दो टाइम मील होता है, तो लंच में थोड़ा डिनर होता है, डिनर में थोड़ा ग्रेवी अलग, मतलब ज्यादा ग्रेवी बनेगी। डिनर दो टाइम में, तो एक टाइम बेटर रहता है ऐसे बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा सा तो दोनों टाइम ही होते हैं, एक टाइम जैसे अभी ग्रेवी थोड़ा पतला हुआ।
हाँ। शाम में जो डिनर सब करेंगे उसका थोड़ा ग्रेवी थोड़ा चेंज हो जाती है, थोड़ा ठीक रहता है। ठीक मतलब एक टाइम थोड़ा पत्ता ग्रेवी, समझ रहे आप? नहीं समझी मैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। एक टाइम थोड़ा पतला ग्रेवी और एक टाइम थोड़ा थिक ग्रेवी रहेगा। हाँ। लेकिन उसमें मतलब फिर डिफरेंस आ गया ना, वही हुआ। तो अभी ये जो पतला ग्रेवी है उसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं है। टेस्ट ये जो दाल है ना, आपको वापस ये जो दाल है ना इसमें जरा भी नमक नहीं है। इसको काली दाल होती है मैडम। काली दाल हो या जो भी दाल हो उसमें नमक बिल्कुल नहीं है। आप अगर टेस्ट करोगे ना उसमें बिल्कुल नमक नहीं है उसमें। तो ये बस इतना ही बोलना था, एक तो सर्विस की बात हो गई और दूसरा जो खाना सर्व किया ना, जो पहले का एक्सपीरियंस था वो मेरा बेहतर था। अच्छा। इसके लिए मैंने आपको पूछा कि वो जो पहले सर्व किया था वो कौन से केटरिंग से आता है या कहाँ से आता है खाना, तो आप बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्टर एक ही है। कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, फिर भी डिफरेंस है खाने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस टेस्ट काफ़ी ज़्यादा फर्क है, क्योंकि अभी आई एम अ फूडी एंड आई मेक ऑल फूड रिलेटेड ब्लॉग्स। सो गाइज आई जस्ट फेल्ट दैट देयर इज नो सॉल्ट एट ऑल इन दैट दाल विच वॉज सर्व। दी पनीर का सब्जी विच इज सर्व आउट हियर इट्स कम्प्लीटली वॉटरी। इवन दिस चिकन विच इज सर्व इट, ये आप देख सकते हो पूरा पानी ही पानी है। ये ग्रेवी आप देख सकते हो, जो पहले जो सर्व हुआ था हम लास्ट टाइम जब ट्रैवल किया था हमने, तो वो काफ़ी थिक था और अच्छा टेस्ट आया था। तो बस इतना ही कहना था गाइज, तो आप लोगों के ऊपर है ट्रैवल करना, पर मेरा फ़र्ज़ था बताना, जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि ऑब्वियसली सब पे करते हैं, कस्टमर्स पैसेंजर्स जो भी है पे करते हैं सर्विस के लिए, तो ऐसा ही सर्विस एक्सपेक्ट भी करते हैं राइट इन रिटर्न। तो बस इतना ही, शाम को मैं पूछ रहा हूँ आपको इससे अच्छा मतलब अभी बोलना है। अभी आप जी। आपकी तरफ से आप तो जो सर्व करते हो राइट, आप खाना बनाते नहीं हो, नहीं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है आपको मतलब जैसे थोड़ा ठीक नहीं लगा तो मैं हाँ मतलब मैं यही बोलूंगी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको बता दीजिए कि जो खाना है जो एक टाइम सर्व करते हैं मैडम, जस्ट उनको थोड़ा सा कम ज्यादा होगा 19-20 तो मैं उनको बोल सकता हूँ हमारा खाना ठीक करो ऐसे। हाँ नमक कम ज्यादा होता है वो समझ में आता है, लेकिन वो ग्रेवी पतला इतना मतलब लिटरली ऐसा लगता है जैसे पानी है, नमक भी नहीं था वो दाल में तो खा भी नहीं सकते। कम रखते हैं ताकि मतलब कम रखते वो समझ में आते है, उसमें नमक ही नहीं था तो वो थोड़ा सा बिल्कुल नमक नहीं था, इसमें नमक ज्यादा है इसमें और इसमें। अभी वैसे मैं अभी खामियां निकालूं तो बहुत सा हो जाएगा तो वो अजीब हो जाएगा, उसका मैं नहीं ये कर रही हूँ, बट जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि थोड़ा सा थिकनेस हो ग्रेवी में, थोड़ा बेहतर हो सर्विस के हिसाब से, वो मेरा एक एक्सपेक्टेशन था। मैं खाने के रिलेटेड ब्लॉग्स बनाती हूँ तो जैसे टेस्ट करती हूँ समझ में आता है कि इसमें नमक कम है ज़्यादा है, रील्स बनाती हूँ शॉर्ट्स बनाती हूँ उसमें पता चल जाता है कम है ज़्यादा है, तो मेरा फर्स्ट बनता है, क्योंकि बाकी के जो आते हैं ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी वही एक्सपेक्ट करेंगे, अच्छा सर्विस एक्सपेक्ट करेंगे। आपकी तरफ से तो आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप यू नो जो भी पैसेंजर्स हैं उनको अच्छा सर्विस प्रोवाइड करें, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट ये कोच में दो वेंडर्स होने चाहिए ताकि नहीं, जो होते हैं ऑलरेडी थोड़ा सा बीमार है इसके वजह से नहीं तो दो होते हैं। अच्छा लेकिन मुझे ऐसा लगा कि दो होने चाहिए क्योंकि तो बेटर होता है, क्योंकि जाते समय हमें एक ही वेंडर था आप ही थे, आते समय भी अभी आप ही हो तो क्विक सर्विस जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता पैसेंजर, क्योंकि गर्मा गर्म खाना अगर एक्सपेक्ट करना है तो वो नहीं कर सकता है, मैं वो क्लियरली बता दूं, क्योंकि अगर 140 का आपने अगर लंच सर्व किया है और 220 को अगर आप आके पूछते हो कि कुछ आपको चाहिए तो इट्स नॉट आवाज देने का नहीं मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आप एटलीस्ट आके अगर दो वेंडर्स होते तो आप यहाँ पे आके पूछ सकते एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड केबिन में, दूसरा जो है वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स केबिन में जाके पूछ सकते हैं ना, वैसे मैं बोल रही हूँ। एनीवेज थैंक यू सो मच इम्तियाज जी। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 5:20 और ये शाम की चाय कॉफ़ी जो भी है आ चुकी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो ये है रोस्टेड आमंड्स एंड सॉल्टेड, रोस्टेड एंड सॉल्टेड आमंड्स, ठीक है। यहाँ पे पीका जी लाइट चिवड़ा दिया है इन्होंने, और ये है कॉफी, सबसे पहले ये हैंड सैनिटाइजर दिया है, और इसके बाद यहाँ पे वंदे भारत IRCTC का वंदे भारत लिखा हुआ है, और ये रसगुल्ला दिया है चाय के साथ रसगुल्ला। और
देखते हैं ये क्या है। ये कचौरी है, और ये सैंडविच होगा, और ये सैंडविच है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें शायद बटर, कुछ मसाला डाला है, सैंडविच मसाला होगा, और टमेटो और क्यूकम्बर है। नाउ लेट मी एंजॉय माय कॉफी। आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे वाटर लीकेज हो रहा है और एसी का पानी जो है वो नीचे गिर रहा है यहाँ से। तो अगर आप इनको बता देंगे तो ये आके यहाँ पे क्लीन कर देंगे तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा मेंटेनेंस का जो काम है ये पैसेंजर्स के ट्रैवल करने से पहले हो जाना चाहिए। दिस इज़ लाइक यू नो पीपल हु आर वीआईपी पीपल, दीज आर द पीपल हु एक्चुअली ट्रैवल बाय दिस ट्रेन, एंड इफ दिस इज़ अ सर्विस दैट इवन वीआईपीज गेट, देन आई एम रियली सरप्राइज बाय द इंडियन रेलवेज दैट दिस इज द काइंड ऑफ सर्विस दैट दे आर प्रोवाइडिंग फॉर passengers. So guys, I'm very disappointed by Indian Railways, and this is not the service that I expected from Indian Railways, and especially since I'm traveling through Toronto Express. I mean, I went 3 times to see the TTE, but he was not available at his seat. एक बार दो बार समझ में आ जाता है, मे बी TTE गए होंगे टिकट्स चेक करने के लिए, बट 3 बार में जाके आई हूँ, तीनों के तीनों बार TTE अवेलेबल नहीं थे अपने सीट पे। ये थोड़ा सा मुझे कंसर्न लगा, क्योंकि मुझे ये अगर कुछ कंप्लेन है या कुछ उनसे बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई भी आम पैसेंजर को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है और वो कंप्लेन रेज करना चाहते हैं, टीटी से बात करना चाहते हैं, और अगर वो सीट पे ही अवेलेबल नहीं हो तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। कभी आपने भी ऐसा ट्रैवल एक्सपीरियंस फेस किया है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि टीटी के एब्सेंस में किससे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। ये आप कॉकरोच देख सकते हो, ये अभी क्लीन करके गए थे लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉकरोचेस बहुत से हैं। सो गाइस, मैं कब से कह रही थी कि मैं टीटी के पास गई थी लेकिन वो डेस्क पे अवेलेबल नहीं थे, वो अपनी सीट पे अवेलेबल नहीं थे। तो सबसे पहले ये क्लिप जो है ना, मैं उन लोगों के लिए शेयर करना चाहती हूँ जिन्हें टीटी का मतलब नहीं पता। तो टीटी का मतलब होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ओके। और TTE सिर्फ ऑन बोर्डेड पैसेंजर्स के टिकट ही नहीं चेक करते, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स। ये देखिए, ये दूसरा कॉकरोच आप देख सकते हो, और ये देखिए गाइस, ये मैंने तीसरा कॉकरोच देखा है इस ट्रेन में, और ये आप देख सकते हो ये चौथा कॉकरोच है। ओह माय गॉड, आई एम रियली सरप्राइज्ड बाय दिस, एंड दिस इज दुरंतो एक्सप्रेस गाइस। एक मज़े की बात कहूँ आपसे, साथ ही साथ मुझे अभी ये ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं पैसेंजर्स से कम और कॉकरोचेस के साथ ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको ऑलमोस्ट 5-6 कॉकरोचेस दिखा चुकी हूँ मैं अभी। और आप देख सकते हो क्लेनलीनेस के मामले में अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं इनको मैं 0 मार्क्स दूंगी क्लेनलीनेस के बारे में, क्योंकि ये आके यहाँ पे क्लीन भी करके जा चुके हैं फिर भी यहाँ पे आजू बाजू में सब, ये देखो जैसे मैं बात कर रही हूँ, ये देखिए ये 5वां कॉकरोच, इधर ना चूहा है अंदर, इस तरफ से इस तरफ आया, अभी वो कैसा आप निकलते, उधर गैप है क्या अंदर, उस तरफ जा सकते हैं क्या, क्या नीचे से जगह है उस तरफ जाने के लिए कि ब्लॉक है? नहीं, निकल सकता है, किधर है, छोटा भी नहीं है बड़ा है, इस तरफ गया अंदर, इस तरफ ऐसे वो साइड गया, बैड क्या दिखेगा नहीं तो निकालो कैसे उसको, अगर उधर गया है अगर रिटर्न आए उसमें फंस सकता है, तो अभी क्या रुकें क्या, कभी आएगा और कभी फंसेगा, नहीं मैं बोल रही हूँ इसको निकालो, इसको हटाओ और वो चूहे को बाहर निकालो, क्योंकि हम अभी बैठे क्या खड़े रहे वो समझ में नहीं आ रहा है।
पेटीचा पटला ना आले होते उधर है सर। किस तरफ गया है सर? नहीं नहीं मैं आपसे पूछूं, इधर बैठते कि उधर बैठते हैं? उधर भी। तो फिर आप क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि इधर बैठते हैं? इधर आए थे अभी, मैं देखा था कि इधर आए थे, इधर बैठे थे। वो ठीक है, आप मेरे को चार बार मैंने आपको पूछा, आप बोल रहे इधर है, इधर आते हैं। इधर मैंने देखा था इसलिए बोल रहे। आप रोज ट्रैवल करते हो कि मैं रोज ट्रैवल करती हूं? इधर मैंने देखा, इधर जब रत्नागिरी में गाड़ी थी इधर बैठे थे, मैं ये बोला। आपको अगर नहीं पता है ना तो आप मत बोलो, ठीक है? अभी मेरे को टीसी किधर है, टीटीओ मेरे को पता है। गलत इन्फॉर्मेशन मत दो आप मुझे। फाइन लगा दो, कुछ भी लगाओ, कॉकरोच और जो भी है चूहा वो सब निकल जाना चाहिए वो रूम से। कंट्रोल कंट्रोल उदय। वीआईपी ऐसा ट्रैवल करता है क्या? जो भी वीआईपी आते हैं उनको ऐसे ट्रैवल करना देते हो आप? और ये क्लीनलीनेस है आपका? ये लोगों को दिखाने के लिए आप ऊपर से साफ सफाई कर रहे हो क्या? इट्स नॉट अबाउट क्लीनलीनेस आफ्टर द पैसेंजर ट्रैवल्स, इट्स अबाउट द क्लीनलीनेस बिफोर द पैसेंजर ट्रैवल्स। वी आर पेइंग फॉर दिस टिकट, राइट? इट्स नॉट अबाउट दैट। कैन आई गेट योर नेम? हरमंत कुजोर। ओके मिस्टर हरमंत, व्हाट आई मीन टू से इज, इवन इफ इट्स अ नॉर्मल पैसेंजर और इफ इट्स अ वीआईपी पैसेंजर व्होमसोएवर इज ट्रैवलिंग, before traveling these things have to be taken into consideration. Everything is clean now. It is not clean. I have 5 to 6 videos of cockroaches. It's that, it's just the rat that I couldn't capture. Spray maro nahi sir, fir se maro spray, theek hai spray leke aao. Spray marne se aur clean karne mein zameen aasman ka farak hai. Clean kaisa kiya jata hai, wo jab aake yahan pe clean karke gaya, andar jab maine dekha wahan pe kachra waise ke waise hi pada tha. ऊपर ऊपर से पैसेंजर्स को दिखाने के लिए अगर आप ऐसे क्लीन करके जाते हो, स्प्रे मार के जाते हो, उसको क्लीनलीनेस नहीं कहते हो? आप कौन है? यू आर द सुपरवाइजर। आपका नाम? मैडम प्लीज इंद्र, सॉरी पहले वीडियो मत बनाइए। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। इंद्र, इंद्र वॉट? इंद्र बहादुर। ओके तो आपको मैं बता, ये आप इनके सुपरवाइजर हो? नो, आई एम द इंचार्ज ऑफ दिस ट्रेन। ओके, यू आर द इंचार्ज ऑफ द ट्रेन एंड ही इज आल्सो ही इज सपोज टू, नो, ही इज द सुपरवाइजर ऑफ क्लीनर। ओके, क्लीनिंग सुपरवाइजर। तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये सब देखे। तो एक चीज आपको बता दूं, पैसेंजर के आने से पहले क्लीनलीनेस होना चाहिए। पैसेंजर के आने के बाद पैसेंजर आपको बोले कि भाई ये क्लीन नहीं है, ये क्लीन नहीं है, आने पहले होता, आने के बाद ही होता है। आके वो स्प्रे मार के जाएंगे, क्लीन करके जाएंगे, उसको क्लीनलीनेस नहीं बोलते, राइट? घर में भी अगर हम, हमारा खुद का घर है तो कोई आ रहा है मेहमान, राइट? तो उसके लिए कोई मेहमान आ रहा है तो ऐसे ऐसे साफ करके जाए, हम ऐसा नहीं करते। हमारा खुद का घर है तो हम क्या करते हैं, अच्छे से साफ करके क्लीन करके रखते हैं ताकि कोई आए, जो भी अतिथि है वो आए। तो ये एक्सपेक्टेशन होता है, पे कर रहे हैं ना हम इस सर्विस के लिए। दिस इज अ पेड सर्विस, दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडियन रेलवेज। तो फ्रेंड्स, दुरंतों में जब आप ट्रैवल करते हो, मडगांव से लेके मुंबई LTT जब आप ट्रैवल करते हो, उस ट्रेन जर्नी का जो टिकट प्राइस है वो फ्लाइट से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है? और इतना एक्सपेंसिव टिकट परचेज करने के बाद भी अगर आपको वो यू नो सेटिस्फैक्शन ना मिले तो वो टिकट के सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। अभी मुझे वही फीलिंग आ रही है कि वो सारे पैसे मेरे बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि ये देखिए आप ऊपर की तरफ, मैं आपको जरा बता दूं, यहाँ पे पानी भी गिर रहा है, इतने सारे इश्यूज हैं इस ट्रेन में। सो एज यू कैन सी हियर, देयर आर ऑल दीज टाइनी लिटिल वाटर ड्रॉपलेट्स व्हिच आर फॉर्म्ड, या एंड आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ कॉलिंग द अटेंडेंट टू कम एंड कीप क्लीनिंग दिस, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ वाटर दैट कीप्स फॉलिंग आफ्टर एवरी 10-15 मिनट्स। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से भी पानी गिर रहा था, इन्होंने ये कैसे स्टॉप किया है। ये स्टेप्स देखिए गाइस, ये कितना गंदा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी गंदगी है यहाँ पे।
पता नहीं ये लोग क्लीन करते हैं या नहीं। और ये ओ यहाँ पे ये सीट भी टूटा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा सीट टूटा हुआ है यहाँ से। तो वो जो वंदे भारत का जो लोगो था वहाँ पे, वो खाना कहाँ से आता है? वंदे भारत से आता है या कौन है कॉन्ट्रैक्टर? वो वंदे भारत का लोगो है मैडम, कंपनी के पास और भी गाड़ियाँ हैं तो। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल किया था तभी वंदे भारत का लोगो नहीं था पैकेज पे, जो भी है उस पे वंदे भारत नहीं था। तो वही मेरे को क्वेश्चन था कि जो भी आपके सीनियर को भेजिए प्लीज। सॉरी, यू आर फ्रॉम? हेमंत। योर नेम इज हेमंत? बोल दीजिए क्या हुआ। नहीं, इश्यू क्या है वो मैं बता देती हूँ ना आपको। बैठिए। नहीं नहीं, बैठिए ना, बोले कोई बात। तो सबसे पहले लास्ट टाइम मैं जब ट्रैवल किया था इस ट्रेन में, मेरे को कोई इश्यू नहीं था, ठीक है, खाना वगैरह सब ठीक ठाक था, ओके था, यही थे शायद, यही थे लास्ट टाइम, ये हाँ यही रहते हैं। तो इस टाइम जब ट्रैवल किया ना, रोटी मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि ये जो ऑर्डर जो भी देते हैं केटरिंग वगैरह वो कौन देखता है? जब खाना आता है, खाना जब आता है तो केटरिंग वगैरह कौन आप लोग देखते हो? तो आप सीनियर हो, आप सीनियर हो, अच्छा तो केटरिंग कहाँ से आता है वो मेरा क्वेश्चन है। कहाँ से आता है मतलब कौन कौन है कॉन्ट्रैक्टर, कौन है या वेंडर कौन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो मेरा क्वेश्चन है। आर के एसोसिएट्स। तो जब आपने जो मुझे सर्व किया था दोपहर को खाना, दोपहर को आपने जब मेरे को खाना सर्व किया था तभी उस पे कुछ और ही लिखा हुआ था, वो स्टिकर था उनका, वंदे भारत का स्टिकर, वो उनके लिए बना है। तो वंदे भारत का स्टिकर दुरंतो एक्सप्रेस में कैसे आता है मुझे समझ में नहीं आया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक्चुअली मैम इनका वंदे भारत ट्रेन भी है जो मड़गांव चल रहा था ना, सीएसटी वाला, तो श्री साईनगर वंदे भारत, तो उनका लॉट में उसी टाइम पैकिंग का पूरा गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नहीं भाई, मिस्टेक नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर है तो उसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही खाना आना चाहिए, राइट? कॉन्ट्रैक्टर वही है, झूठ बोल रहा है। उसके बारे में नो डाउट है, आपको चाहिए तो बिलिंग वगैरह प्रॉपर दिखा देंगे कि वही उसी बेस से आ रहा है। तो वो मुझे अभी कैसे पता चलेगा उसी बेस से आ रहा है खाना? आपको चाहिए तो डिटेल में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब जा रही थी गोवा जा रही थी तभी जो खाना आया था उस खाने में और इस खाने में जमीन आसमान का डिफरेंस है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। That I'm a food blogger. I make food related videos. खाना एक बार टेस्ट करने से ही मुझे पता चल जाता है इसमें क्या कम है, क्या ज्यादा है, अच्छा है, नहीं है, जो भी है। मैं मेरा ये इंटेंशन नहीं होता है कि मैं खाना जो जितना खराब है वो दिखाऊं मेरे ब्लॉग्स में, राइट? मैं ऑलवेज माई इंटेंशन इज टू मेक गुड वीडियोज टू शो पीपल एंड माई इंटेंशन टू ट्रेवल बाई दिस दुरंतो एक्सप्रेस वॉज दैट यू नो इन लोगों मुझे नहीं लगता है मुझे कुछ चेंज हुआ रहेगा तो भी कम ज्यादा क्या होगा, नमक मिर्ची कम ज्यादा हो सकती है, राइट? लेकिन जो पूरा क्वालिटी है फूड का वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। जो अभी मैंने जो ग्रेवी मैंने उनको मिक्स करके भी दिखाया, वो पूरा वॉटरी ग्रेवी था, मतलब पूरा पानी था उस ग्रेवी में, वो थिकनेस के मामले में कुछ भी नहीं थी वो ग्रेवी। आप जो बोल रहे हो ना, मैंने उनको बताया, उनको पूछ लीजिए, उनको बताया भी था, पूरा पानी की तरह था वो ग्रेवी। क्योंकि देखो ये अभी मैं फर्स्ट टाइम, अभी ये सेकंड एक्सपीरियंस है मेरा, फर्स्ट एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, मेरे को कोई इश्यूज नहीं था, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर जो भी आ रहे पैसेंजर्स को उनको भी पता होना चाहिए, राइट? मेरे को फर्स्ट एकदम मैं चौक गई देखने के बाद के वो वंदे भारत का लोगो कहाँ से आया वो पैकेट पे, क्योंकि ये दुरंतो एक्सप्रेस है तो वंदे भारत के का खाना यहाँ पे दुरंतो एक्सप्रेस में कैसे सर्व हो रहा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंडली वो मुझे बता रहे हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सेम है, आप भी बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्टर सेम है, क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर का? आर के एसोसिएट्स कॉन्ट्रैक्टर। तो जो खाना आता है तो उसपे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन खाना जब आता है उसपे लिखा हुआ रहता है कहीं पे भी कि जो भी है आर के एसोसिएट्स। हाँ, लेकिन जो पैकेजिंग रहता है ना उसपे कहीं पे लिखा हुआ रहता है आपको चाहिए तो प्रोवाइड हो
हेमंत जी, वो बिलिंग का बात नहीं है, मैं बोल रही हूँ जो पैकेजिंग आता है ना, जैसे अभी अमूल बटर ऑर्डर किया, अमूल बटर पे उसका लिखा हुआ रहता है, उसका ब्रांड का नाम लिखा, तो आर के एसोसिएट शुड बी देयर समवेयर मेंशनड। अभी ये देखिए यहाँ पे ये लोग, ये आप प्रोवाइड कर दें, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल रेलवे, इंडियन रेलवे, ये लिखा हुआ है पैकेट पे। वैसे लिखा हुआ कुछ तो होना चाहिए ना, कैसे पता चलेगा पैसेंजर को? नहीं, ये मेरे को बोल के कुछ फायदा नहीं है ना, अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो गया, वो हो गया, आगे चल के जो पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे उनका एक्सपीरियंस बेहतरीन हो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जो भी अभी रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप उस तरीके से लोगों को सर्व कीजिए। ये टिकट जो है दुरंतो के, आप भी मानोगे, गोवा से, मडगांव से जब आप आते हो एलटीटी की तरफ, टिकट्स जो उसके प्राइस है वो फ्लाइट टिकट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। आई कुड हैव इजीली गॉन बाय फ्लाइट, आई कुड हैव टेकन अ फ्लाइट एंड यू नो गॉन टू मुंबई, आई चोज टू ट्रैवल बाय दुरंतो जस्ट टू मेक अ वीडियो टू शो वॉट इज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस दैट पीपल कैन हैव एंड दे ट्रैवल थ्रू दुरंतो। आप देख लीजिए, लेकिन ये इंश्योर कीजिए कि खाना जो है ना वो एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हो, राइट? एटलीस्ट मैं इतना सोच रही थी कि एटलीस्ट यू विल मीट माई एक्सपेक्टेशंस। आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि यू मीट, यू गो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पैसेंजर, बिकॉज द पैसेंजर इज पेइंग फॉर इट, इट्स नॉट अ फ्री सर्विस एंड इट्स एन अनलिमिटेड फूड दैट यू गाइज आर प्रोवाइडिंग, राइट? द फर्स्ट टाइम एंड ही सर्व्ड मी लंच एट 1:35-40 समवेयर अराउंड दैट टाइम, ओके, दैट वॉज अ कंसर्न विच आई वॉन्टेड टू हाईलाइट, दैट्स द रीजन आई हैव कॉल्ड यू। ही सर्व मी लंच एट अराउंड 1:35-1:40, देन ही कम्स बैक एट 2:25, ओके। मैक्सिमम अ पर्सन विल टेक इज 15-20 मिनट्स टू फिनिश हिज लंच, डू यू अग्री विथ मी? राइट, 15-20 मिनट्स। उसके बीच में, उसके दौरान अगर किसी को रोटी चाहिए, किसी को राइस चाहिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट? जस जी, अटेंडेंट केबिन लॉक नहीं होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप नॉक, अभी आप चाय लेकर आते हो, कॉफी लेकर आते हो, आप नॉक करते हो, तो आप ये कैसे, आप यू कैन रन अवे विद दिस बाय सेइंग केबिन लॉक था। केबिन लॉक था मतलब मैं बंद करके कहीं जा नहीं सकती हूँ ना, केबिन लॉक करके ही बैठेंगे ना जो पैसेंजर है। मेरा यही कंसर्न है कि एटलीस्ट इफ देयर वाज टू अटेंडेंस, इट वुड हैव बीन बेटर, मतलब 15-20 मिनट के बाद अगर आप आओगे, चेक करोगे कि मैडम या सर आपको कुछ चाहिए, ऐसा सर्विस होना चाहिए, ये मेरा कहना था। आप अगर बोलते हो, नहीं नहीं, मैं, मेरा ये था कि अगर आप बोल रहे हो अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड फूड का मतलब ये नहीं कि आपने 1:30 बजे खाना दे दिया, उसके बाद 2:30 के बाद आप आके, ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ, इसके लिए मैंने ये रेस किया कंसर्न, इसके लिए मैंने बोला आपके सीनियर से बात करवाइए, राइट? तो ये छोटी सी चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए जब पैसेंजर ट्रैवल करता है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर उनको ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ट्रैवल करते समय, उनको सबको अटेंड वो नहीं कर सकते, तो आप दो लोगों को रखिए, बिकॉज दिस इज, उन्होंने बोला मुझे ये कि दो लोग रहते हैं, तो अभी कैसे, मैं लास्ट टाइम भी ट्रैवल कर रही थी तभी भी वही थे, अभी ट्रैवल कर रही हूँ तभी वही है, तो कितने लोग, नहीं मेरा कंसर्न ये नहीं, वो है नहीं है, वो उसका कंसर्न नहीं है, वो है ऐसा सर्व कर रहे उसका भी कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न है कि पैसेंजर ट्रैवल कर रहे तो दो लोग तो होने चाहिए एटलीस्ट उनको अटेंड करने के लिए। आप समझ रहे हो ना मेरा क्या क्वेश्चन है, कि 1:30 को आप सर्व कर रहे हो, 2:30 को आप आके पूछ रहे हो कि मैडम आपको कुछ चाहिए, मतलब खाना हो के डाइजेस्ट हो गया खाना, उसके बाद आप आके पूछ रहे हो। मैं ऑलमोस्ट इतना 1 घंटे तक मैं रुकी रही कि यहाँ लेफ्ट देख रही हूँ, राइट देख रही हूँ, कहीं पे मुझे दिख नहीं रहे, वो मैं खाना छोड़ के अभी कितनी दूर, कितने कोचेस दूर जाऊं और देखूं कि वो कहाँ पे है, अटेंडेंट कहाँ पे है। ओके, 6 कोच के बाद लगा बस स्टेशन पेंट्री के बगल में रहता है, तो जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेंट्री से, ओके, वो तुरंत कोच वेंडर हो या कोई भी हो तुरंत आके पिकअप कर लेते, तो अभी वो 6 कोच आना जाना पड़ता है, नहीं तो उसके डिले हो। तो देखो ये आपका काम है, योर द सुपरवाइजर, योर द सीनियर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? रिपोर्ट करी ना उस बारे में कि सर्विस में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो फिर वो आपका इंटरनल इशू है, वो आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए। मेरा काम एज अ पैसेंजर, इफ आई एम नॉट हैप्पी, माई कंसर्न, आई नीड टू रेज माई वॉइस एंड आई नीड टू टेल समबडी हू सीनियर आउट हियर, सो दैट दे कैन टेक दिस इनटू कंसिडरेशन।
दैट इज माई ड्यूटी एज अ पैसेंजर हुज ट्रैवलिंग. ओके ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू. तो फ्रेंड्स जैसे कि इन्होंने बताया कि ये खाना जो है, जो केटरिंग जो है वो आर के एसोसिएट्स की तरफ से है, पर मैंने उन्हें यही बताया कि यहाँ पर वंदे भारत, आप देख सकते हो वंदे भारत एक्सप्रेस लिखा हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वंदे भारत का जो केटरिंग है या जो खाना है वो दुरंतो एक्सप्रेस में कैसे आ सकता है, यही मेरा क्वेश्चन था उनके लिए. जनरली आर के एसोसिएट्स का अगर केटरिंग है तो आर के एसोसिएट्स के नाम का यहाँ पे उनका ब्रांड होना चाहिए मेरे हिसाब से, पर मुझे वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है. गाइस बार बार यहाँ पे एसी बंद चालू हो रहा है, आप देख सकते हो अभी एसी बंद है, अभी फिर से चालू हो रहा है, फिर से चालू हो गया. तो एसी और ये लाइट ऑलमोस्ट हर 15 मिनट के बाद बंद चालू हो रहा है. तो अब हम एक घंटे में LTT पहुंचने वाले हैं और हमारे पूरे जर्नी के दौरान यहां से कॉन्स्टेंटली पानी टपक रहा था, आप देख सकते हो यहां पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स, और मुझे कॉन्स्टेंटली कॉल करके अटेंडेंट को बुलाना पड़ा, वो आके हर बार यहां पे आके वो क्लीन करके जा रहे थे.